हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 18.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 18.1 का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, जो भी बच्चे आरडी शर्मा की बुक का लेटेस्ट एडिशन खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अ क्लोज्ड आयरन टैंक 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। आप यहां पर देख सकते हैं, एक क्लोज्ड आयरन टैंक है जिसकी लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 9 मीटर और कितना उसका हाइट है 4 मीटर, है ना। डीप का मतलब क्या है, उसकी हाइट के बारे में यहां पर बोला गया है। लेट्स से ये आपका क्लोज्ड आयरन टैंक है, लेंथ यहां पर मैंने मेंशन कर दी है 12 मीटर और चौड़ाई है 9 मीटर और हाइट है 4 मीटर, है ना। डीप का मतलब क्या है, कितना गहरा है। गहरे का क्या मतलब है, अगर कोई भी चीज गहरी है तो उसका मतलब उसकी हाइट के बारे में यहां पर बोला गया है, तो हाइट है 4 मीटर। आगे क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट यूज्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर मीटर शीट बीइंग 2 मीटर वाइड। देखिए, आपको निकालना क्या है कि जो शीट यूज की गई है आयरन की, है ना, जिसका ये बना हुआ है, जो मटेरियल इसको बनाने में यूज किया गया है, वो क्या है आपका, आयरन शीट, है ना, लोहे की शीट है ना, क्योंकि आपका ये आयरन का टैंक है तो लोहे की शीट हो गई, है ना। तो इसी की कॉस्ट निकालनी है हमको कि कितना आयरन शीट यूज हुआ है। और आपको ये भी गिवन है कि 1 मीटर शीट का जो रेट है वो कितना है, रुपीज 5, ओके। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर वाइड, जो शीट है आयरन की उसकी चौड़ाई है 2 मीटर, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है इस क्लोज्ड आयरन टैंक की। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, है ना। सब कुछ तो आपको गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो सिंपली आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये जो वैल्यूज हैं, है ना, इन सबको आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा आपका 384 मीटर स्क्वायर, है ना। सो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तो बच्चों, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ द आयरन शीट, है ना। ये जो आपका आयरन टैंक है, इसमें टोटल लेंथ की जो आपकी शीट यूज हुई है वो कितनी होगी, है ना। लेट्स से ये आपकी एक शीट है, है ना, हर एक जो वॉल है ये आपकी शीट है, तो इन टोटल इसकी लंबाई कितनी होगी। अगर मैं इसको लेट्स से सीधा कर दूं तो कितना लंबा शीट यूज हुआ है, है ना, मीटर्स में होगा। तो ये जो शीट होगी आयरन की, ये कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो टोटल सरफेस एरिया है इसको आप डिवाइड कर दोगे, ये जो शीट का विड्थ है 2 मीटर, है ना, इससे आप इसको डिवाइड कर दोगे, दैट मींस 384 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 192 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द आयरन शीट। ये टोटल लेंथ हो गई आपकी, है ना, आयरन शीट की टोटल लेंथ हो गई जो इसमें यूज हुई है। तो अब आपको मालूम चल चुका है कि लेंथ है आयरन शीट की 192 मीटर, यानी कि जो टोटल शीट यूज हुई है इसको बनाने में वो कितनी है, 192 मीटर। और यहां पर आपको 1 मीटर का रेट आपको गिवन है, ओके, 1 मीटर का रेट है 5 रुपए के हिसाब से, तो 192 का कितना हो जाएगा, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आपकी निकल के आ जाएगी। तो हमने यहां पर यही किया है, कॉस्ट ऑफ आयरन शीट शुड बी लेंथ ऑफ आयरन शीट मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट रेट, है ना, 192 × 5। सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ द आयरन शीट, ₹960। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन ट्रस्ट मी बच्चों, ये बहुत आसान है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है तो आप भी कहोगे कि इतना इजी था। तो चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। रविश वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हिज कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टार्पोलिन दैट कवर्स ऑल दी फोर साइड्स एंड द टॉप साइड ऑफ द कार। तो देखिए, इसका मतलब है रविश चाहता है अपनी कार के लिए एक कवर बनाना जो कि बना होगा टार्पोलिन का। तो बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं कि टार्पोलिन क्या होता है। जनरली आपने देखा होगा टू व्हीलर्स या फिर फोर व्हीलर्स को कवर करने के लिए एक ब्लू रंग का कवर यूज किया जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। और जो टार्पोलिन यहां पर कार कवर के लिए यूज किया गया है रवीश के द्वारा,
वो आपका क्यूबॉइड स्ट्रक्चर में है। आप देख सकते हैं ये शेप होगी क्यूबॉइड फॉर्म में। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं आपकी कार होगी जो पार्क होगी। ओके सॉरी फॉर दी बैड ड्रॉइंग बट आप मान लीजिए यहाँ पर कार पार्क की गई है। ओके सो दिस इज योर कार। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कवर्स ऑल दी फोर साइड्स एंड दी टॉप ऑफ दी कार। इसका मतलब है चारों तरफ से ये कवर्ड है और ऊपर से भी कवर है। ठीक है, नीचे का जो बेस एरिया है वो आपका कवर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी कार पार्क होगी। और एक चीज और मेंशन है यहाँ पर, विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप। देखिए इसका मतलब क्या है, जो एंट्री है फ्रंट फेसिंग है ये आपकी एक रोल्ड अप की तरह यूज होगी, है ना। इसको ऊपर कर सकते हैं, जब ये आपकी कार अंदर और बाहर की जाएगी तो इसको हम रोल करके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, है ना। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर हम इसको लेके चलेंगे कि यहाँ पर ये आपका टारपोलिन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद बोला गया है अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशन 4 मीटर इंटू 3 मीटर। तो यहाँ पर डायमेंशन गिवन है, इसकी लंबाई कितनी होगी 4 मीटर, ब्रेड कितनी होगी 3 मीटर और हाइट होगी 2.5 मीटर। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये बोला गया है कि जो स्टिचिंग की गई है, लेट से ये जो कॉर्नर है, ठीक है, ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पर स्टिचिंग की गई है इनको जोड़ने के लिए आपस में, है ना, सो दैट कि ये क्यूबॉइड स्ट्रक्चर में बन जाए। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई गैप नहीं है। इस गैप का क्या मतलब है कि इन दोनों को स्टिच करते समय 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर, कोई भी गैप किसी भी तरह का नहीं है यहाँ पर। तो आपको मान के चलना है कि ये कंप्लीट आपका एक क्यूबॉइड है, है ना, 4 मीटर है, उसके बाद लेंथ आपका 3 मीटर है, तो कोई भी बीच में गैप नहीं है। ओके तो आपको सिंपली निकालना है कि कितना टारपोलिन यूज किया गया है इस शेल्टर को बनाने के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या मतलब है। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है। जो नीचे का बेस है बस ये आपको नहीं लेना है, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपका टारपोलिन है ही नहीं, है ना, ये आपका बॉटम है, बॉटम में तो आपकी कार यहाँ पर पार्क हो गई है और बाकी जगह आपका हर जगह टारपोलिन यूज किया गया है। इवन यहाँ पर जो एंट्री है यहाँ पर भी यूज किया गया है, टॉप पर भी, और जो आपकी चारों साइड है वहां पर भी टारपोलिन यूज किया गया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड, यानी कि कितना आपको टारपोलिन चाहिएगा इस कार शेल्टर को बनाने के लिए। तो सिंपली एरिया आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2 × L × H + B × H + L × B। देखिए ये ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप इसको फाइंड करोगे, और आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो अपने दिमाग में रखकर, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलिए मैंने इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया है इस ऊपर वाले फॉर्मूले में और इसका आंसर आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपका एरिया चाहिए था टारपोलिन बनाने के लिए वो कितना है 47 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एन ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ वुड 3 सेंटीमीटर थिक, इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 1.48 मीटर, 1.16 मीटर एंड 8.3 डेकामीटर, फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको गिवन है एक ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स का क्या मतलब है, जनरली जो आपका क्यूबॉइड होता है, है ना, उसकी साइड होती है आपकी 6, लेकिन यहाँ पर ओपन बॉक्स है मतलब एक साइड आपकी नहीं है, जो टॉप वाली साइड है वो आपकी है ही नहीं, तो इसकी साइड कितनी होगी 5। 5 कैसे हो गई, एक ये हो गई आपकी, दूसरी ये वाली फ्रंट वाली, तीसरी आपकी ये हो गई, है ना, फोर्थ आपकी बॉटम वाली हो गई और फिफ्थ आपकी पीछे वाली हो गई। इस तरीके से इसकी 5 साइड हो गई, लेकिन जो टॉप वाली है ये है ही नहीं, यानी ओपन है ऊपर से। ओके इसके बाद आपको गिवन है एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो मैंने यहां पर लिख लिया लेंथ है 1.48 मीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया सो दैट कि आपका कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाए, क्योंकि आपका जो थिकनेस है वो भी आपका सेंटीमीटर में है, तो हमने सबको सेंटीमीटर में यहां पर कन्वर्ट कर लिया, ब्रेड्थ को भी और हाइट को भी। तो ये तो बात हुई आपकी एक्सटर्नल डायमेंशन की, है ना। अब बात करते हैं इनर डायमेंशन की, यानी कि थिकनेस को हटा के, ओके, जो थिकनेस है वो हटा के आपकी इनर डायमेंशन कितनी होगी। बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ कैसे फाइंड करोगे, आप जो आपकी एक्सटर्नल लेंथ है उसमें से क्या माइनस करोगे,
ट्वाइस ऑफ थिकनेस, ओके, तो ये आपका निकल के आ जाएगा इनर डायमेंशन, दैट मींस लेंथ। इसी तरीके से आप निकाल लोगे इनर ब्रेड, यानी कि 116 माइनस ट्वाइस ऑफ थिकनेस, तो ये आपका आ जाएगा ब्रेड। लेकिन आपको इनर हाइट निकालते समय ध्यान रखना है कि आपको ट्वाइस नहीं करना है। ट्वाइस क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको यहां पर जो टॉप है ना, ओपन बॉक्स है, तो ऊपर की जो आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो थिकनेस होगी वो नहीं होगी, है ना, ऊपर का जो लेड है कह सकते हो कि वो नहीं है, ओपन है, तो ये जो थिकनेस है वो है ही नहीं, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर आपकी है ही नहीं। और जो आपका बॉटम है यहां पर 3 सेंटीमीटर है, तो आप सिर्फ 3 सेंटीमीटर नीचे वाला पार्ट लोगे, ऊपर वाला नहीं लोगे, है ना, जो टोटल हाइट होगी उसमें ऊपर का हिस्सा नहीं होगा, नीचे का हिस्सा आपका रहेगा, ठीक है, क्योंकि ओपन है, तो आप यहां पर सिर्फ 3 करोगे जो नीचे वाला पोर्शन है। अगर आपको बोला गया होता कि ये जो बॉक्स है ये कम्प्लीटली क्लोज है, तो आप यहां पर ट्वाइस करते ऑफ थिकनेस, है ना, लेकिन अभी ये आपका बॉक्स कैसा है, ओपन है ऊपर से, तो सिंपली आप यहां पर माइनस करोगे 3, 83 में से 3 माइनस कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस एट ₹50 per square meter, यानी कि अंदर पेंटिंग करनी है लेकिन उसकी कॉस्ट निकालनी है, और यहां पर आपको गिवन है पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट आपको गिवन है ₹50, ओके, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया आप किसका निकालेंगे, इनर सरफेस एरिया, क्योंकि कॉस्ट आपको निकालनी है इनर सरफेस की, तो आप इनर सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको ये वाला जो आपका साइड है ऊपर वाला, ये आपको नहीं लेना है, तो सिंपली आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, तो यहां पर आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का वैल्यू ये वाला रखना है, ओके, क्योंकि ये इनर डायमेंशन हमने फाइंड की है, तो यही वाली वैल्यूज आपको यहां पर पुट करनी है, ये वाली आप नहीं करेंगे जो हमने यहां पर देखी थी स्टार्टिंग में, है ना, तो आपका ये निकल के आ जाएगा आपका 5.5940 मीटर स्क्वायर। यहां पर हमने कन्वर्ट कर लिया है इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। अब आप निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर सरफेस एरिया, तो यहां पर हमने क्या किया है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि आपका जो रेट गिवन है ₹50 per square meter में गिवन है, है ना, तो अब आप क्या फाइंड कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर सरफेस एरिया, तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपली ₹50 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा ₹279.70। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। The dimensions of a room are 12.5 meter by 9 meter by 7 meter. There are 2 doors and 4 windows in the room. Each door measures 2.5 meter by 1.2 meter and each window 1.5 meter by 1 meter. Find the cost of painting the walls at ₹3.50 per square meter. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है एक रूम है, उसकी डायमेंशन यहाँ पर गिवन है, लेंथ गिवन है 12.5 meter. ब्रेड गिवन है 9 मीटर और हाइट गिवन है 7 मीटर, और यहां पर आपको 2 डोर गिवन है, ओके, इस रूम के अंदर 2 डोर हैं और 4 विंडो हैं। लेट्स सी, ये आपका एक रूम है, ओके, आप देख सकते हैं यहां पर 2 डोर मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी है आपको समझाने के लिए, सो दैट कि आपको ये कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाए, और साथ के साथ आपको डोर और विंडो की भी मेजरमेंट गिवन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर लेंथ गिवन है 2.5 मीटर, ब्रेड गिवन है 1.2 मीटर और विंडो की मेजरमेंट यहां पर आप देख सकते हैं 1.5 मीटर लेंथ और ब्रेड है 1 मीटर। तो यहां पर आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स, यानी कि वॉल्स को पेंट करने की क्या कॉस्ट होगी। यहां पर रेट भी गिवन है, पर स्क्वायर मीटर का रेट होगा ₹3.50। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड कर लेना है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वॉल्स है उसको पेंट करने का कॉस्ट निकालना है, तो वॉल्स आपकी 4 ही होती हैं, है ना, यहाँ पर सीलिंग के बारे में नहीं बोला गया है, यानी कि जो छत होती है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो जब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स की, तो सिंपली आपको डोर और विंडो का जो मेजरमेंट है वो आपको कंसिडर नहीं करना है, जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको यहाँ पर गिवन है वही आपको यहाँ पर लेके चलना है, तो सिंपली आपको वैल्यूज को पुट कर देना है, 12.5 प्लस ब्रेड्थ इज 9 इंटू हाइट इज योर 7, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 301 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो 2 आपके डोर हैं उनका भी आप एरिया फाइंड कर लोगे। एरिया क्या होगा, 2 डोर हैं तो आप 2 लिखोगे, एल इंटू बी एरिया, ओके,
तो ये आपका वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, इसके बाद आपका एरिया फाइंड होके आ जाएगा इन टू डोर्स का। इसके बाद फोर विंडोज का भी आप एरिया फाइंड कर लोगे, तो फोर इंटू एल इंटू बी, ओके, तो वैल्यूज का आप यहाँ पर पुट कर दोगे एल और बी का, तो ये भी आपका यहाँ पर फाइंड हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, और डोर के लिए भी एरिया आ जाएगा आपका 6 मीटर स्क्वायर। ये हमने फाइंड क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमने डोर और विंडो का एरिया निकाला है वो क्यों निकाला है, क्योंकि वॉल्स में ही आपका कहीं ना कहीं डोर है और कहीं ना कहीं विंडो है। तो इसका मतलब है जो टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला है उसमें से डोर और विंडो का सरफेस एरिया है ना, जो एरिया है बेसिकली वो माइनस कर देंगे, तो क्या होगा आपके पास, टोटल सरफेस एरिया सिर्फ वॉल्स का बच के आ जाएगा, है ना। तो देखिए, आपको इस बात को समझना है, जो पेंट होता है रूम के अंदर वॉल्स के अंदर, ओके, तो डोर और विंडोज में नहीं होता है, ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आप क्या करोगे, जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से आप ये जो डोर और विंडो का एरिया है वो आप माइनस कर दोगे, उससे क्या होगा, जो बचा वाला एरिया है वही तो पेंट होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, जो रेट आपको गिवन है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर फाइंड कर लेंगे एरिया टू बी पेंटेड ऑन फोर वॉल्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया है फोर वॉल्स का, जो कि है आपका 301 मीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे आपका एरिया डोर और विंडो का, तो ये एरिया आपका कितना निकल के आ जाएगा, 6 प्लस 6, है ना। इसको मैंने यहां पर लिख दिया है, ये जो 6 है ये है आपका एरिया डोर का, और ये जो 6 है ये आपका एरिया है फोर विंडोज का, है ना। ये आपका माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ एरिया है वो एक्चुअल में पेंट होना है, है ना। ये आपका जो एरिया है विंडो और डोर का, तो ये हमने माइनस कर दिया, और जो बचा हुआ एरिया है वही आपको पेंट करना है, है ना। तो पेंट करने के लिए आपको रेट आपको गिवन है, है ना, इतना एरिया आपका निकल के आ चुका है जो पेंट करना है, 289 मीटर स्क्वायर, इसको पेंट करना है, और रेट है आपका ₹3.50 per square meter। तो सिंपली आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ₹1011.5। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब समझते हैं आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को। द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट ऑन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कंटेनर है उसमें कुछ पेंट है, और वो जो पेंट है वो इतना सफिशियंट है कि वो इतने एरिया को आराम से पेंट कर सकता है, कितने को, 9.375 मीटर स्क्वायर को, है ना। कि एक पेंट है एक कंटेनर में, वो कितना एरिया पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया के बराबर पेंट कर सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। देखिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि कितनी ब्रिक्स यानी कितनी ईंट इस डायमेंशन की पेंट की जा सकती है इस कंटेनर से, ये जो पेंट है इस कंटेनर के अंदर, इस पेंट से कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है 1 ब्रिक का डायमेंशन गिवन है, ओके, तो ये आपका एक ईंट का डायमेंशन है जो यहाँ पर गिवन है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो सिंपली आप फाइंड कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो ये होगा आपका 2 into lb + b into h + l into h। तो ये आपको गिवन है, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर हाइट। तो सिंपली आप इन सभी वैल्यूज को यहां पर पुट कर लोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो अब आपको क्या करना है, जो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है इसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एरिया है, ठीक है, जो पेंट हो सकता है वो आपका गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है जिसको हम पेंट कर सकते हैं, तो इसी एरिया को हमें डिवाइड कर देना है इस एरिया से, ठीक है। ये आपका जो एरिया है वो क्या है, 1 ब्रिक का, यानी एक ईंट का एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। टोटल वाला आपका ये वाला है जो गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर, ये आपका मीटर स्क्वायर में है, तो हमने इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर स्क्वायर से, ओके। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड आउट, तो जो टोटल एरिया है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक से,
तो मैंने क्या किया है, ये आपका क्या है टोटल सरफेस एरिया है जो एक्चुअल में पेंट हो सकता है, और ये आपका क्या है वन ब्रिक का है ना, ये आपका वन ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया है। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 100। तो ये नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं जो कि पेंट हो सकती हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।